मार्केट पर एक चेक ले लेते हैं कि क्या इस समय फिर तेजी की पोजीशन आपकी लेनी आनी चाहिए। सुमित बागड़िया हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के। सुमित आफ्टरनून, क्या सलाह होगी? नॉर्मली बाजार को सब लोग यही कह रहे थे कि ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट है, लेकिन आज मेरे ख्याल में ज्यादा बिकवाली आई नहीं है, 8200 के ऊपर हम। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में जो सेल ऑफ देखा जा रहा था उसको बिल्कुल एंड अप कर दिया है आज निफ्टी ने। इनफैक्ट हम देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्मेशन आ रहा है निफ्टी के ऊपर, जिस तरह से निफ्टी ने आज रैली दिखाई है, और अगर ये एक दो दिन और सस्टेन कर गई तो ये शॉर्ट टर्म बॉटम भी बन सकता है निफ्टी के अंदर। इनफैक्ट यहाँ से जरूर अगर दो दिन की क्लोजिंग देखी जाती है हाई पे हाई लगा के कैंडल्स अगर दे अगले दो दिनों तक अगर कंटिन्यूसली हाई पे क्लोज देती है तो ये फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर निफ्टी का बॉटम बन सकता है और यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी भी देखी जा सकती है, बट उसके लिए दो से तीन दिन की क्लोजिंग का वेट करना होगा। जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में एक बार यहाँ से 80 से 100 पॉइंट की तेजी और देखी जाएगी, यानी 8280 के लेवल देखे जा सकते हैं एक से दो दिनों के अंदर। इंट्राडे में निफ्टी ऑलरेडी 0.2% के आसपास बढ़ा हुआ है, अगर 30 से 40 पॉइंट का कोई फॉल आ जाता है तो अच्छा बाय रहेगा निफ्टी। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 8110 का, और कैरी ओवर पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 8060, जो कि बहुत ही अच्छा एसएल रहेगा। ऊपर में टारगेट देखे जा सकते हैं 8230 और उसके बाद 8280 लेवल। पोजिशनल तेजी के लिए निफ्टी को 8300 या 8330 के ऊपर जाना जरूरी है, और पोजिशनल मंदी के लिए निफ्टी को 8050 के नीचे जाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में एक बार के लिए शॉर्ट टर्म बॉटम हो चुका है और यहाँ से तेजी बननी चाहिए।